गुजराती भाइयों को बाय बोलने का टाइम आ गया। यहाँ से देखो नीचे गंगा नदी का व्यू है और वो देखो वहाँ पे राफ्टिंग हो रही है। भागीरथी उधर से आ रही है, ये अलकनंदा एंड केदारनाथ में मिला था भाई। जय धारी माँ। पीछे की साइड में आपको व्यू देखने को मिल रहा होगा रुद्रप्रयाग का। दिल्ली में फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। गुरुद्वारा हेमकुंड साहब का रास्ता जाता है नीचे से। ये देखो लग तो बहुत सेक्सी रही लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है। हे गुड मॉर्निंग, अभी जस्ट उठे हैं। पहले तो मैं क्या करता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम रात में एडिटिंग कर लेता था। अभी दो तीन दिनों से रात में इतना थक जाता हूँ कि इस टाइम जाके मॉर्निंग में एडिटिंग करता हूँ तो थोड़ा लेट वीडियो आ रहा है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम हैं पांडुकेश्वर नाम की जगह पे और यहाँ पे हमारा स्टे था, बहुत बढ़िया स्टे रहा। एंड अभी टाइम हो रहे हैं करीब 11 बज गए हैं और निकलने का प्लान है। वो आगे अपनी गाड़ी खड़ी है, उसमें सारा सामान पैक हो गया है। ये यही अपना नीचे के साइड में स्टे था। अभी यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी वाड़ी पैक हो गई तो डीपीओ बिज क्लॉक के बाद में एक उसको तो ठीक कर लिया मैंने कल, लेकिन अभी एक एरर आ रहा है तो ऋषिकेश पहुंचना जरूरी है आज। मेरा लैपटॉप पूरा फुल हो गया, मेरी मैकबुक में पूरा फुल हो गया, 2 TB SSD फुल, मैकबुक फुल, फोन फुल। तो यार आज स्टे लेना पड़ेगा ऋषिकेश में 2-3 दिन का, साथ में तो कपड़े वपड़े भी बहुत हो गए हैं गंदे, वो धुलवा लेंगे। ये देखो लग तो बहुत सेक्सी रही लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है यार, इसको ठीक करवाना बहुत जरूरी है। तो निकलते हैं अभी पांडुकेश्वर से और आज ओली होते वाया ओली होते जाएंगे, अगर गाड़ी ने सही परफॉर्मेंस दिया तो, नहीं तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा इस बात का कि ओली पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। यहाँ से गुरुद्वारा हेमकुंड साहब का रास्ता जाता है नीचे से ट्रैक होते हुए, तो आप यहाँ से ट्रैक है आगे बर्फ बर्फ से होते हुए, लेकिन अभी बंद हो गया है। तो यहाँ है गुरुद्वारा हेमकुंड साहब विष्णुप्रयाग, ये आप देख सकते हो एक रिवर उधर से आ रही है, एक रिवर इधर से आ रही है और दोनों का प्रयाग होके आ गई है, नदी बन रही है। तुम्हें नदियों का नाम पता है? नंदा नदी, अलकनंदा तो पता ही है। अब दोनों कौन सी, दोनों में से कौन सी अलकनंदा है? ये वाली अलकनंदा, वो वाली धोली गंगा। अच्छा ठीक है, तो गाइस ये वाली अलकनंदा है जो पीछे से होती हुई आ रही है और वो है धोली गंगा और आगे अलकनंदा बन जाती है यहाँ से, और ये है विष्णुप्रयाग। से थोड़ा सा पहले अलकनंदा नदी के किनारे ये वाला झरना देखने को मिला है, इसका फवारे मेरे ऊपर आ रहे हैं देख सकते हैं आप, कितना शानदार है यार, कितना शानदार है और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसका यहाँ से होते हुए ये झरने का पानी यहाँ से नीचे नदी में जाके मिल जाता है। नीचे की साइड में अलकनंदा नदी निकलती है, उससे थोड़ा सा आगे विष्णुप्रयाग है और यहाँ से हम जो सीमेंट वाला रास्ता ले रहे हैं और ये है ऊपर की तरफ झरना, हम जा रहे हैं ओली की तरफ, थोड़ा सा ओली रुकेंगे। अभी देखिए हम ऑन द वे टू ओली, ये अपना गुजराती भाई। अरे यार एक बात तो है कि आज भाई अपने से अलग हो जाएंगे और अपने हो जाएंगे अकेले। गाइस रास्ते बड़े ही खूबसूरत है यार ओली के, नीचे पत्ते जड़े हैं, कह सकते हैं नेचुरल लोकेशन है। जगह का व्यू आप देख सकते हो, एक स्की रिजोर्ट है एंड इधर का व्यू बढ़िया व्यू है यार इधर का, आप लोग आ सकते हो बट विंटर में आओगे तो ज़्यादा मजा आएगा इधर। और ये भगवान भोलेनाथ का आर्ट बड़ा ही खूबसूरत है, आप यहाँ पे आके एडवेंचर कर सकते हो, कई सारी एक्टिविटीज है। उन सब चीज़ों के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से एक चेयर कार लो, केबल कार लो और उसके बाद में आप वहाँ जाके आप घुड़सवारी कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो और उसके बाद में आपको बर्फ का पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ थोड़ा बहुत एक्टिविटीज है वो भी कर सकती हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो मतलब कि ओली में बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको सब ऊपर जाना पड़ेगा। ओली में फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से, ये मिलिट्री का ट्रक का सामने से मिलिट्री का ट्रक आ गया तो फंस गए, फिर गाड़ियां आ गई तो फंस गए, अब बस आ रही है तो फंस गए, पिछले 1 घंटे से जस्ट ट्रैफिक में फंसे हैं। रोड देखो कितना पतला है, सिर्फ 1 टाइम में 1 व्हीकल निकल सकता है ढंग से। तो जैसे भी यहाँ से फ्री होते हैं फिर हम आज चमोली रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, गाड़ी का काम कराना बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है इंजन का, तो ये दिखाना बहुत जरूरी है।
बार यहाँ से निकलते हैं यार, फंसे पड़े हैं। वो लोकेशन आने वाली है जहाँ हमने दिवाली पे कैंपिंग किया था, एक रेस्टोरेंट था जिसके आगे हमने कैंप लगाया था। यार इसके पास तो बहुत गाड़ियां खड़ी है क्योंकि इसके पास पार्किंग अच्छी है और रोड पे कहीं भी किसी बंदे के पास इतनी पार्किंग नहीं है। और अभी टूरिस्ट कुछ आ भी ज्यादा रहे हैं, पहले से मुकाबले अभी ज्यादा आ रहे हैं। भीड़ लगी है उधर, आगे तक देखो यार, पहले सामने वाले आएंगे फिर हम निकलेंगे। ये अपनी थार खड़ी है और ये महिंद्रा का शोरूम है, बट आज यार छुट्टी है, मे भी दिवाली से अगला दिन है तो सब बंद पड़ा है। नदी किनारे बैठने आया हूँ, क्या ही कर सकते हैं, तो थोड़ी देर शांति से वक्त बिताते हैं नदी किनारे और उसके बाद निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। तो गाइज बहुत भूख लग रखी है और हमारा मन था कुछ फास्ट फूड खाने का और हमें एक शॉप मिली है वो सामने की साइड में फास्ट फूड की। हम हैं अभी नंद प्रयाग में और नंद प्रयाग में ये संगम है, तो मैंने पांचों के पांचों प्रयाग देख लिए हैं। नंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा, ऐसे प्रयाग पे स्नान करना पवित्र माना जाता है। वैसे डीजल डलवा रहे हैं, ये कोई जगह है ये रस्ते में, और अभी आज का स्टे हम ऋषिकेश सोच रहे हैं, बाकी देखते हैं कहाँ का होता है। बट ये कोई शहर आया, आई डोंट नो नेम तो क्या है, बट यहाँ पे ये गोचर मेला करके कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सामने, और लाइटिंग कर रखी है, काफी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। Hey everybody, this is रुद्रप्रयाग, the beautiful location of उत्तराखंड। क्या सही व्यू है यार, और मैं अभी खड़ा हूँ काफी ऊंचाई पर, पीछे की साइड में आपको व्यू देखने को मिल रहा होगा रुद्रप्रयाग का। एक और चीज आपको बतानी है, जो इसमें इंजन का साइन आ रहा था वो हट गया है अपने आप ही, वो आप देख रहे हो ना वो सामने की तरफ मंदिर, वो है धारा देवी माता का मंदिर जो पानी के अंदर बना हुआ है, काफी खूबसूरत है। नीचे से ये एक नदी बह रही है, जय धारी माँ। तो गाइस पीछे की साइड में अलकनंदा नदी बह रही है नीचे की साइड में, और हम जा रहे हैं माँ धारी के मंदिर में। है माँ धारी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा शांत है, बहुत ही पीसफुल। भाई कैसा लगा? बहुत पीस है, बहुत पीस है, काफी अच्छा लगा। आरती के टाइम पे आए, आरती ली, कुछ देर शांति से बैठे, बड़ा अच्छा लगा। अंदर शूट अलाउड नहीं है तो हमने किया भी नहीं। हमें मिला है राइडर साइकिल से कर रहा भाई, सूरत टू केदारनाथ, एंड केदारनाथ में मिला था भाई, क्या नाम है भाई अपना? मुन्ना। अच्छा कितने दिन हो गए भाई निकले हुए? 2 महीना हो गया। 2 महीने? अच्छा 2 महीने में तुम केदारनाथ पहुंचे हो? 2 बार कर लिया केदारनाथ। ये कैसे हुआ? मतलब पहले आया था केदारनाथ, ठीक है, पूरा धाम कंप्लीट करके हाँ दूसरी जगह पे जा रहा था, ठीक है, मन में ख्याल आया कि नहीं कपड़ बंद है फिर जाके दर्शन करो। अच्छा अच्छा 2 बार दर्शन किया, रहे मतलब आप पे डबल डबल कृपा हो गई यार फिर तो। अभी आगे के क्या प्लान्स रहेंगे अपने? आगे मैं जा रहा हूँ बनारस, बनारस होकर उड़ीसा पुरी जगन्नाथ। अच्छा जगन्नाथपुरी, मतलब धार्मिक यात्रा कर रहे हो एक तरीके से है। अरे वेरी गुड, बाकी मौसम खुलने के बाद लद्दाख भी करना हमारे कहने पे, चलो ठीक है। हर हर महादेव भाई, ठीक है भाई, भगवान तरक्की दे तुम्हें। एवरीबॉडी हम हैं अभी उत्तराखंड के श्रीनगर में, भागीरथी उधर से आ रही है, ये अलकनंदा है, अपने पूरे रूट में अलकनंदा ही थी। वो नीचे के साइड में घाट बना है जो काफी फेमस है, और यहाँ से गंगा निकलती है तो लोग यहाँ पे स्पेशली इस घाट में नहा के स्नान करके जाते हैं। और इस नदी का तो फ्लो बहुत ही तेज है अलकनंदा का, भागीरथी थोड़ी शांत है और यहाँ से आगे गंगा बन जाती है। 12 घंटे से ऊपर हो गया ड्राइव करते हुए। पीछे की साइड में लैंडस्लाइड हो गया, अचानक से पता भी नहीं चला, एकदम से स्लाइड हुआ, ट्रक व्रक थे थोड़ा रुक गए यार, एकदम से दिमाग ही नहीं चला यार मेरा तो कैमरे ऑन करने का। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी की? मॉर्निंग के करीब 11:15 हो गए हैं, लेट हो गया आज, अच्छे से सो के उठाऊं, एंड अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ से नहीं कर रहे, थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, जहाँ से भी करेंगे आपको दिखाएंगे, तो निकलते हैं अभी। भाई लोग भी आज ऋषिकेश से हरिद्वार निकलेंगे, हरिद्वार से आगे अपना गुजरात निकलेंगे। इस पॉइंट पे देखो बहुत सारे राफ्टिंग करवा रहे हैं, यहाँ से देखो नीचे गंगा नदी का व्यू है, और वो देखो वहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, मैं खुद करूंगा राफ्टिंग, अब मेरा मन कर गया इनको देख के, वो देखो वो वहां तक। दिस इज द होली गंगा नियर ऋषिकेश, और यहाँ से हम खाने वाले हैं कुल्फी। बड़ी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश में, इधर बस राफ्टिंग ही राफ्टिंग का चल रहा है मोस्ट ऑफ द व्हीकल पे, आप देख सकते हो आपको ऊपर की तरफ ये देखो बोट देखने को मिलती है।
गुजराती भाइयों को बाय बोलने का टाइम आ गया। ये लोग अभी जा रहे हैं गुजरात और मैं हूँ अभी ऋषिकेश में। आगे के प्लान अभी पता नहीं है। अपनी गाड़ी खड़ी हो गई है एंड एक रूम ले लिया अपने, अभी तो दो दिन के लिए लिया है। तो ऑलमोस्ट काफी सारा सामान मैं लेके आया हूँ, अभी सारा सामान गाड़ी से निकाल रहा हूँ। गाड़ी धुलवानी है, बड़े सारे काम करने हैं। और ये अपनी गाड़ी और इसके बिल्कुल ही बगल में राइट साइड में जाके देखते हैं तो वो वहाँ पे कार वॉश वाला है, इससे करवा लेते हैं भाई जैसी कैसी होती है। लेकिन गाड़ी की हालत बहुत खस्ता हो रही है, करवा रहे हैं पहले से बढ़िया से। ये ड्राई क्लीन हो जाएगी अंदर से। और ये इतना सारा सामान यहाँ पटका है, बहुत सारा सामान मैं होटल रूम पे लेके गया हूँ। नीचे से तो बहुत ही बुरी हालत में ये गाड़ी, बाकी हो जाएगी यार ठीक, कर देंगे क्लीन। आज के वीडियो में थोड़ा सा रेस्ट रहेगा हमारा, क्योंकि हम दो दिन एक जगह पर रेस्ट ले रहे हैं, वो है हरिद्वार। आज हम सारा ये काम कर लेंगे, कपड़े धोने वाला, गाड़ी धोने वाला, और कल हम हरिद्वार को एक्सप्लोर करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना, लाइक बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बहुत कुछ आने वाला है।